किसी से बंधते नहीं है। बहुत सारे असुर पहले प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण को बांधने का, हिरण्यक्ष प्रयास किया, हिरण्यकश्यप प्रयास किया, दुर्योधन ने प्रयास किया, लेकिन सब असफल ही रहे। लेकिन ये सफल रहा, कौन सफल? यशोदा मैया सफल रही, उन्होंने श्री कृष्ण को बांध लिया। श्री कृष्ण सबको बांधे हुए हैं लेकिन श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन वो श्री कृष्ण को भी यशोदा मैया ने बांध लिया। तो इस तरह जब बांधने का प्रयास कर रही थी यशोदा मैया, तो वहां से हम बहुत सारी शिक्षा सीख सकते हैं। तो यशोदा मैया जब कृष्ण को इस तरह पकड़ लिया था और उनके हाथों में छड़ी थी, छड़ी देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत डर रहे थे और ऐसा लग रहा था यशोदा मैया को, लगा नहीं तो बहुत डर जाएगा, ज्यादा नहीं डराना चाहिए, इसलिए उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। लेकिन अगर छड़ी को फेंक दिया लेकिन कृष्ण को कुछ तो, क्योंकि गलती करी है तो कुछ पनिशमेंट तो देनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, गलती करी कोई पनिशमेंट नहीं देंगे तो फिर से वो गलती करेगा, फिर पनिशमेंट नहीं देंगे फिर गलती करेगा, इस तरह गलती करने की आदत ही उसकी लग जाएगी। तो इसीलिए हाँ, करेक्ट करना चाहिए, थोड़ी पनिशमेंट भी देनी चाहिए। चाणक्य पंडित ने इस तरह बताया कि लालने बहवो दोषा, ताड़ने बहवो गुणा। केवल अगर लालन करेंगे, एक माँ पेरेंट्स अगर बच्चों को केवल लालन करेंगे, प्रेम देंगे, बहुत लालन करेंगे, लेकिन उनको करेक्ट नहीं करेंगे, उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, तो वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएंगे। और ताड़ने बहवो गुणा, करेक्ट करेंगे, उनको डांटेंगे, तो उससे बहुत गुण उनके अंदर आएंगे। तो एक उम्र तक लालन करना चाहिए, उसके बाद की उम्र के बाद ताड़न भी करना चाहिए। इस तरह बताते 5 साल की उम्र तक केवल लालन करना चाहिए, उसके बाद फिर ताड़न भी शुरू कर देना चाहिए कि उनको करेक्ट करें, डांटें, क्योंकि उसके बाद वो गलतियां करेंगे। लेकिन उसके बाद भी एक उम्र तक ताड़न कर सकते हैं, उसके बाद जब वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद ताड़न भी नहीं कर सकते, जब व्यक्ति बहुत युवा हो गया था उसके बाद डांट नहीं सकते, इसलिए पहले ही डांट को उसको उनको सुधार दे ताकि वो हमेशा सही कार्य करते रहे। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को ताड़न किया।